साड़ी के रिपल्स देखे, उसकी बॉडी से चिपके हुए हैं, और इसी को देख के राज कपूर साहब इंस्पायर हुए। तो मूवी आई थी कौन सी बताइए? एक मूवी आई थी सत्यम शिवम सुंदरम। देखिए साहब बोले पीछे तो रंजन साहब की आवाज है। और ये आप कल्पना कीजिए कि नहाने के सीन की वजह से वो मूवी एडल्ट मूवी बन रही है। आज हम किस कल्चर में जी रहे हैं? मिर्जापुर जैसी मूवी आ रही है और हम 1100 साल पहले ये चीजें दिखा रहे थे, समझ रहे हैं। और राज कपूर साहब यहाँ क्यों आए थे? क्योंकि उनकी ससुराल बताए कहाँ थी? रीवा में, गोविंदगढ़ जो आपका एक और ट्रेनिंग स्कूल है वो रीवा है। रीवा में उनकी ससुराल थी, तो रीवा आए थे तो यहाँ पर आए, तो फिर बहुत शूटिंग हुई। और जब यूनेस्को ने इसको डिक्लेयर किया वर्ल्ड हेरिटेज, फिर शूटिंग पे रोक लग गई थी। यहाँ देखिए एक लेडी है जो अपनी चोट दिखा रही है, कांटा लगा था ना, यहाँ चोट दिखा रही है किसको, वो एक डॉक्टर है। और डॉक्टर के पास देखिए बैग है, झोला, देखिए गुची बैग दिख रहा है ना। और डॉक्टर थोड़े छोटे है, क्यों? क्योंकि वो पोस्ट में छोटे है। तो रानी ये डॉक्टर और ये अटेंडेंट, तो दे हैव टू इन द स्टेटस वाइज, नॉट अ कास्ट वाइज। तो स्टेटस के हिसाब से डॉक्टर और टीचर ये सबसे रिस्पेक्टेबल पोस्ट होती है। तो आज भी आपके सामने आपके टीचर आ जाएं तो क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि जो वैल्यू है वो कर्मों की है, ना कि जाति की। कर्म प्रधान समाज था, ना कि जाति प्रधान, तो कर्मों के अनुसार उसकी वैल्यू दिखाई गई है। देखिए आप तो पद में है ना, देखिए तो फूल लगेंगे तो आप फॉरेस्टर बनेंगे, फिर दो फूल लगेंगे बोले डिप्टी।